एसआईआर आप सभी लोगों को, मैं अजय शास्त्री आप सभी का डेस्टिनी स्टार की फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज अपन नए टॉपिक को लेके बात करेंगे, अपने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ऐसे बहुत सारी चीज पे बहुत दिनों से चर्चा की है। आज नए टॉपिक को लेके चर्चा करेंगे, वो है फेस रीडिंग, हेयर एंड आपके जो चेहरे पे जो मोर रहते या तीर रहते उसके बारे में बात करेंगे। जैसा आपने सुना होगा, चेहरा बोलता है, चेहरे से अपन एक समझ पाते किसी का चेहरा देख के कि ये जो सामने वाला पर्सन है खुशी है दुखी है अच्छा है बुरा है। एक जब भी अपन किसी का चेहरा देखते हैं अपने दिमाग में कुछ ना कुछ उसके बारे में लेके कुछ ना कुछ धारणा पैदा हो जाती है। अपना जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कुछ ना कुछ उस सब चीजों को लेके विचार कर लेता है। इसी चीज को लेके अपन आज डिस्कशन करेंगे, और पूरा तो नहीं बता पाऊंगा आपको लेकिन एकदम मैक्सिमम बताऊंगा वो आप एकदम क्लियर कट बताऊंगा जिसको आप कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चेहरा ये आपका मिरर है, आपका मतलब हर आदमी का जो चेहरा है एक मिरर है जिसको देख के अपन बहुत सारे प्रेडिक्शन कर सकते हैं या तो समझ सकते हैं। किसी के अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, ना ही कुछ भी नहीं मालूम है, अपन पहली बार उसको मिल रहे हैं तो भी सामने वाले का चेहरा देख के अपन बहुत सारी चीज उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा ही होगा। और 80% केसेस में आप देखोगे जो अपन चेहरा देख के बोलते ज्यादा एक्यूरेट रहता है, सिर्फ थोड़ा समझने की जरूरत है उसके बारे में क्या क्या है, तो उस सब चीजों को लेकर आप डिस्कशन करेंगे। तो अभी अपन चालू करते हैं इस नए टॉपिक को लेके जिसमें आपको बहुत सारी चीज समझ में आएंगी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर एक चीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। मैं आपको बता, जो चेहरा है उसमें बहुत सारी क्वालिटी रहती है जिसको चेहरे को देख के अपन समझ सकते हैं कि कौन सा चेहरा उन्नत है, कौन सा उभरा हुआ है, कौन सा प्रोग्रेसिव चेहरा है, ऐसे बहुत लोगों को। अभी आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ, उसमें आप देखिए तीन चेहरे आपको दिख रहे हैं। पहला दशरथ मांझी जी का है, मांझी जी का, जिन्होंने पूरा पर्वत ही खोद डाले थे रास्ता बनाने के लिए। दूसरा चेहरा है मोदी जी का, जिसको आप सभी लोग जानते हो। तीसरा चेहरा है रेणुका सहनी जी का, जो फेमस हीरोइन थी, ऐसे बहुत सारे पिक्चर में आपने उनको रोल कॉल देखे होंगे। तीनों का चेहरा देख के आपको क्या समझ में आता है, ऊपर ऊपर आप सोचिए। मोदी जी का चेहरा तो आप लोगों को मालूम है कि भैया ये पीएम है, लेकिन चेहरे पे बहुत सारी चीज समझ में आती है। सबसे पहले आपको देखना है, जब भी आप चेहरे की बात करोगे किसी का चेहरा देखना है उसका आपको फोरहेड देखना है। फोरहेड यानी मस्तक, मस्तक जिसका उभरा हुआ हो, फ्रंट की तरफ आया हो, सामने हो, दबा हुआ ना हो, वो मस्तक वो फोरहेड बहुत ही अच्छा होता है, लकी होता है। ऐसे लोग अपने लाइफ में अच्छा सक्सेसफुल स्थान हासिल करते हैं, जो भी फील्ड में काम करते हैं वो सक्सेसफुल स्थान हासिल करते हैं। ऐसे लोग की विल पावर बहुत अच्छी रहती है, कि जहां से भी ये काम चालू करते हैं उसको फिनिश करने का हौसला भी रखते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रेस तो रहता है, लेकिन स्ट्रेस रहने के बाद भी ये लोग एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं और प्रेशराइज सिचुएशन में ज्यादा अच्छी तरह से काम करते हैं। तो उन्नत जो मस्तक है, जो चेहरा जो फोरहेड उभरा हुआ है, वो नॉर्मली अच्छा माना जाता है अपने फेस रीडिंग के हिसाब से। आप मोदी जी का चेहरा देखिए, एकदम उन्नत है, सामने आया हुआ है। फोरहेड की बात कर रहा हूँ मैं, मोदी जी का फोरहेड देखिए एकदम उन्नत है, सामने आया हुआ है। रेणुका सहनी जी का भी फोरहेड देखिए, वो भी सामने आया हुआ है। और दशरथ मांझी जी का फोरहेड देखिए, उनका जो फोरहेड दबा हुआ है, पीछे गया थोड़ा, चेहरे तो हल्का सा पीछे है। जब दबाव देख के आप समझ में आओगे तो हम पीछे है। तीनों ने अपने अपने नाम रोशन किए, अपने देश का नाम रोशन किए, खुद का नाम रोशन किए, तीनों ने किए। लेकिन मोदी जी की शुरुआत के लाइफ में स्ट्रगल था, बाद में उनको सक्सेस मिली। रेणुका सहनी जी ने भी स्ट्रगल के सक्सेस पाई, और दशरथ मांझी जी के जो साथ में हुआ उनकी लाइफ में फुल फुल ऑफ स्ट्रगल था। तो जो मस्तक जब दबा हुआ रहता है, ऐसे आदमी को जो लाइफ में सक्सेस या सुख जो है बहुत कम मिलता है, या तो वो उसका कितने मेहनत कर तो सक्सेस नहीं मिलेंगे, सुख नहीं मिलेगा, और उसमें भी इशू आते हैं। तो ऐसे जब भी आपको चेहरा देखना है, आपको शुरुआत जब भी करना चेहरे देखने फोरहेड से करना, आप लोगों को ये फेस रीडिंग में अपन जो चेहरे हैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट रहता है अपल, अपर जो पार्ट है अपने बालों से लेके आईब्रो तक, इसको अपन अपर पार्ट बोलेंगे, या तो मेंटल पार्ट मेंटल प्लेन बोलेंगे। याद रखिए बालों की ये बाहर जहां से बाल एंड होते हैं और अपना आईब्रो तक, ये बोले इसको बोलेंगे अपन अपर पार्ट, या तो
मेंटल प्लेन। दूसरा जो पार्ट है ये अपने आईब्रो से चालू होके नोज के यहां तक रहेगा, ये जो पार्ट है यहां तक, इसको बोलेंगे अपन मिडल पार्ट या इमोशनल प्लेन। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको क्या क्या मीनिंग होता है। तीसरा जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये जो तीसरा पार्ट है अपने नोज के नीचे वाले पोर्शन से लेके चीक तक, इसको बोलते हैं फिजिकल प्लेन या तो लोअर पार्ट। ये तीन पार्ट में चेहरे का पूरा खेल है। चेहरे को समझने के लिए तीन पार्ट समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, अपर पार्ट, मिडल पार्ट, थर्ड जो पार्ट है वो फिजिकल पार्ट या तो लोअर प्लेन। तो पहला जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं मेंटल प्लेन, जैसे आपने दिमाग से थोड़ा नाम से समझ गए होंगे इसमें दिमाग का काम है। सेकंड जो पार्ट है उसको बोलते हैं मिडल प्लेन या तो इमोशनल प्लेन, ये भी आप सोच सकते हो कि इमोशनल आ गया तो वहां आदमी कैसा हो सकता है। तीसरा जो पार्ट है वो है फिजिकल प्लेन, नाक के नीचे से लेके चीक तक। ये तीनों पार्ट के बारे में अपन एक एक करके समझेंगे और आप लोगों को कोशिश करूंगा कि इसमें क्लियर हो जाए। अब यहां देखिए मोदी जी का, आपको मोदी जी का चेहरा में आप सबसे पहले इनके मस्तक पे फोरहेड पर ध्यान दीजिए, जो भी मेंटल प्लेन है, जो फोरहेड का जो मतलब है मेंटल प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। चेहरा इनका उभरा हुआ, जैसे मैंने आपको बोला चेहरा उभरा, फोरहेड उभरा हुआ, अच्छा बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद इनका जो है मस्तक चौड़ा भी है और लंबा भी है। जब भी किसी का मस्तक चौड़ा भी रहे और लंबा भी रहे, चौड़े का मतलब है कि चार पांच उंगल का होना, जैसे मेरा देखिए चार उंगल के बाद एक आधी उंगल बसती या नहीं बसती बात अलग है, तो चार पांच उंगल का जो फोरहेड रहता है तो वो बहुत अच्छा रहता है और सामने आना जरूरी है। कभी मस्तक बड़ा भी रहेगा लेकिन दबा हुआ रहेगा तो वो अच्छा नहीं रहता है। तो जो फोरहेड रहता है उनका, मोदी का आप देखिए जो मेंटल प्लेन है बहुत ही स्ट्रांग है, इनका जो मेंटल प्लेन बहुत अच्छा स्ट्रांग है। जिसकी मेंटल प्लेन अगर किसी का भी स्ट्रांग हो तो ऐसे लोगों की विल पावर बहुत ही अच्छी रहती है, तभी खुद के दम पे बहुत अच्छे काम करता है, प्लानिंग बहुत अच्छी करता है, इंप्लीमेंट बहुत अच्छी करता है, जो सोचता है बहुत अच्छी तरह से उसको फाइनेंस भी करता है। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि लाइफ में हम सक्सेसफुल होते हैं, पर लाइफ में जो भी काम करते हैं अपने दिमाग के बूते, अपना दिमाग लगा के पूरा अपने 100% देके उस काम को फाइनलाइज भी कर। चेहरा एकदम स्ट्रांग होता है, जो फोरहेड एकदम स्ट्रांग होता है मोदी जी शरीर का, लंबा और चौड़ा होता है, उसके कुछ मायने होते हैं। कुछ मायने मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो आप इजीली समझ पाओगे। जब भी जो फोरहेड है या तो मेंटल जो प्लेन है अपना स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, लंबा और चौड़ा रहेगा, इसका मतलब यह है ऐसा आदमी विल पावर, ऐसे आदमी का विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा, प्लानिंग करने में बहुत ही अच्छा होगा, एक अच्छा ऑर्गेनाइजर होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, होशियार होगा, और कैसी भी सिचुएशन रही, प्रेशराइज सिचुएशन रही, टेंशनाइज सिचुएशन रही, उसमें से वो निकल के बाहर आएगा, वहां रुकेगा नहीं, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा वहां से। ऐसा आदमी की लाइफ में जो भी काम सोचता है आपसे मेहनत है, मेंटली ज्यादा दिमाग से काम करता है, तो मेंटल प्लानिंग ऐसे कर लेता है जो फेल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जैसा इसमें दो पार्ट होते हैं फोरहेड में भी, चौड़ा और लंबा मस्तक, जैसे मोदी जी का है। अगर मोदी जी के बारे में बात करेंगे, अगर ये चौड़ा और लंबा मस्तक के बारे में बात कर रहे हैं जैसे मोदी जी का है, अगर आपका मस्तक, आपका जो फोरहेड है लंबा भी है और चौड़ा भी है, तो ऐसा पर्सन मल्टीपल पॉसिबिलिटी के ऊपर काम करता है, मल्टीटास्किंग होता है उसका। ऐसा आदमी का दिमाग कई दिशाओं में कई डायरेक्शन में एक साथ सब काम करता है, और जो भी काम करता है सोचता तो है, मेंटली सोचता है, और जो भी काम है मल्टी का काम करेगा, मल्टी टास्किंग करने के बाद भी सब काम को प्रॉपरली फिनिश भी कर लेता है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है इन लोगों का। इसके अलावा अगर किसी का चेहरा लंबा है बहुत चौड़ा नहीं है, लंबा है चौड़ा नहीं, इसके पहले मैंने आपको बताया चौड़ा लंबा दोनों का बताया, जैसे मोदी जी का है, लेकिन कुछ चेहरे में आप देखोगे उनका फोरहेड या मेंटल प्लेन लंबा रहेंगी लेकिन चौड़ा नहीं रहेगा, ऐसे केस में ये होगा। ऐसा आदमी भी सब हुनर तो रहेंगे इसके पास में, होशियार रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन ऐसा आदमी मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएगा। ऐसा आदमी एक जगह फोकस करेगा, उसी काम को बहुत अच्छे वे से पूरा करेगा,
लाइफ भर उसी काम को करते रहेगा, ये दोनों में फर्क है और कुछ नहीं फर्क है। अब ध्यान रखिए, जब भी इसकी बात आएंगी तो आपको देखना है कि मेंटल फीलिंग स्ट्रांग है कि नहीं है, और लंबा चौड़ा दोनों है कि चौड़ा है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बाकी जो सिम्टम है वो ये। और एक बात होंगी, अगर आप लोग सोच रहे हैं मेंटल फीलिंग स्ट्रांग नहीं है, तो स्ट्रांग नहीं है इसका मतलब जो उनका जो फोरहेड है, जो फर्स्ट पार्टी है स्ट्रांग नहीं है, लंबा चौड़ा नहीं है, दबा हुआ है, उभरा हुआ नहीं है, उस केस में क्या होगा? वैसा भी आदमी सक्सेस करेंगे, नहीं बोलूंगा ऐसा सक्सेस, फिर ऐसा को सक्सेस करने के लिए थोड़ा मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। दशरथ मांझी जी की फोरहेड देखिए आप, उनका फोरहेड दबा हुआ है, और उनका जो नीचे का प्लेन है, नाक के नीचे वाला प्लेन बहुत लंबा है, तो इन्होंने दिमाग से काम नहीं किया, इन्होंने जो पूरी जो मेहनत है फिजिकल प्लेन इनका अच्छा, तो पूरा जो ताकत से अपनी जो उनके पास जो हुनर था, उनकी जो पॉजिटिव साइज थी ताकत, फिजिकल लेबर से पूरा काम किया, तो ये फर्क आएगा। जब दबा हुआ मस्तक रहता है, या तो फोरहेड अपना जो फर्स्ट पार्ट है अपर पार्ट, या तो मेंटल प्लेन अगर दबा हुआ होगा, तो ऐसा आदमी की लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, ऐसा आदमी दिमाग से कम काम करेगा, फिजिकली ज्यादा काम करता है, याद रखिए सब चीजों को। इसके अलावा वो ये होगा अपना फर्स्ट पार्ट की बात हो गई, अभी अपन बात करेंगे सेकंड पार्ट की, जो कि है मिडल प्लेन या तो इमोशनल प्लेन, मिडल पार्ट या तो इमोशनल प्लेन। अभी आप देखिए मिडल पार्ट कहां से रहता है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, आईब्रो से चालू होके नाक तक, तो मोदी जी का आप देखिए इमोशनल पार्ट कितना छोटा है, मैंने उनका एकदम प्रपोर्शन देखिए, अपर पार्ट बड़ा है, लोअर पार्ट बड़ा है, लेकिन जो मिडल पार्ट है आंखों के भोवे से लेके नाक तक कंपैरिजन छोटा है वो। इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ध्यान रखिए तीन पार्ट रहते हैं, फर्स्ट पार्ट बालों से लेके आईब्रो तक, सेकंड पार्ट आईब्रो से लेके नाक तक, थर्ड पार्ट नाक से लेके चीक तक। मोदी जी का फर्स्ट पार्ट अच्छा है, बड़ा है, स्ट्रांग है, और थर्ड पार्ट फिजिकल पार्ट बड़ा है, जो बीच का पार्ट है वो स्मॉल है, तो बाकी सब चीजों को लेके। तो इसका क्या मतलब होता है, अभी मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया मोदी जी का जो चेहरा है उसमें जो इमोशनल पार्ट है ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इसके अंदर उनका जो मेन जो फोकस है, इनका जो मेंटल प्लेन है अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट बहुत स्ट्रांग है, तो दिमाग से सोचते हैं और उस पर मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, इनकी खासियत है। इनका इमोशनल जो प्लेन है या तो बीच का जो पार्ट है ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से ये इमोशनली कम सोचते हैं, ज्यादा अपने दिमाग से सोचते हैं, और आपको फिजिकल मेहनत करके उसके पीछे पूरा हाथ पर पूरा 100% ऊपर करके काम सक्सेस भी करते हैं। इसी वजह से आपने सुना होगा मोदी जी जो भी काम का शिलान्यास करते हैं उस काम को इनॉग्रेशन भी वही करते हैं, उसका रीजन ही वो है, दिमाग से सोचते हैं, मेहनत करते हैं, काम खत्म हो जाता है, सक्सेसफुल होता है, याद रखिए। उसके बात कर रहे थे अभी अपन इमोशनल प्लेन की, जैसे आप इनके इससे देखिए, रेणुका सारी जी का चेहरा देखिए, इनका जो बीच वाला जो पार्ट है आईब्रो से नाक से पार्ट बड़ा है एज कम्पेयर टू फोरहेड एंड फिजिकल प्लेन या लोअर प्लेन। इसकी मैं एक चीज और बात बता देता हूँ आप लोगों को, जब ये बात होती है मेजरमेंट की तो आपको ये कोई उंगल से नहीं मिलता, नॉर्मल उंगल से बता दिया, लेकिन आपको ये सब स्केल से मेजर करना है एक्यूरेसी के लिए। कभी भी तीनों फेस एक सरीके नहीं रहते हैं, अपर पार्ट मिडल पार्ट लोअर पार्ट, कभी भी तीनों का एक सरीका नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस कम ज्यादा पक्का रहते हैं, जो आप लोग को स्केल के थ्रू जब आप लोग वे गिनेंगे उसको जब पता चलेगा। इसके लिए एक सही तरीका आप लोगों के लिए, आप अपनी फोटो को प्रिंट आउट करा लीजिए, उसके बाद आप स्केल से गिन लीजिए कौन सा पार्ट कितना लंबा, कितना सीएम है, कितना एमएम, जो भी आप गिन सकते हो, जब उसमें आपको एक्यूरेसी आएंगी। अभी हम बात करेंगे इमोशनल प्लेन की, जो आईब्रो से लेके नाक तक रहता है, नोज तक रहता है। अभी आप देखिए रेणुका सानी जी का जो दो इमोशनल प्लेन है अच्छा स्ट्रांग है, तो जिस केस में आप देखोगे जब भी ऐसा रहेगा जिसका इमोशनल प्लेन स्ट्रांग रहता है, ऐसा पर्सन हर काम को फाइनलाइज इमोशनली करता है, दिल की आवाज सुनता है, दिमाग की नहीं सुनता, ज्यादा करके जो भी डिसीजन लेगा इमोशनल रूप लेगा, दिल से लेगा। और इसकी एक और एक खासियत रहती है ऐसे लोगों की, ऐसे लोग डिसीजन बहुत ही फास्ट ले लेते हैं, ज्यादा सोचते समझते नहीं है, कोई भी डिसीजन किसी प्रकार डिसीजन अच्छा रहे, कोई भी डिसीजन लेना है इनको तुरंत ले लेंगे, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं,
ऐसे लोग की और एक खासियत रहती है, ज्यादा मनी माइंडेड नहीं रहते, काम तो करते हैं लेकिन पैसों के पीछे पागलोसारी का भागते नहीं है, अपने अंदर की खुशी के लिए काम करते हैं और इनर सोल इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एज कम्पेयर टू मनी। तो ऐसे लोग काम अच्छा करते हैं, जो भी ड्रीम देखते हैं उसको सक्सेस भी करते हैं, और मिडिल पार्ट अगर स्ट्रांग होते हैं तो अपने खुशी के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं कि पैसों के लिए काम करें, किसी के लिए काम करें, ऐसा नहीं। उनको जो जिस चीज से खुशी मिलती है वो उसी चीज से काम करते हैं। ये सब चीजों का आप ध्यान में रखना है, सब प्रेडिक्शन को लेके। आप रेणुका सानी जी का देखो, मिडिल पे स्ट्रांग है, तो ये जो भी है जितने मेरे आपको पार्ट में इसमें आपको मिल जाएंगे सब चीज को लेके आप लोगों को। तो जब भी आपको तीन पार्ट में हमसे चेहरा देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अपन ने फर्स्ट और सेकंड की बात की है, अभी अपन बात करेंगे थर्ड इसकी, जो आपको मैं समझाऊंगा जो है फिजिकल प्लेन, करेंगे फिजिकल प्लेन की। फिजिकल प्लेन भी किसी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है उसका भी। अगर आपका दिमाग है लेकिन फिजिकल मैनेज करने की क्षमता नहीं है तो कोई काम का नहीं है दिमाग। तो फिजिकल जो प्लेन है, फिजिकल जो पार्ट है बॉडी फेस का, कोई बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी के लाइफ में। तो आदमी कभी कभी दिमाग से सक्सेस होता है, कई बार आपको देखोगे कि कोई आदमी दिमाग लगा के सक्सेसफुल होता है, कोई आदमी दिल से सक्सेसफुल होता है, कोई आदमी अपनी मेहनत से सक्सेसफुल होता है। जहां तक मेहनत से सक्सेसफुल होने की बात है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा दशरथ मांझी जी का। इनको आपको सभी सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते गूगल करूंगा तो आप मिल जाएगा। दशरथ मांझी मांझी जी वो इंसान है जिन्होंने रास्ता बनाने के लिए, अपने गांव के लोगों की हेल्प करने के लिए पूरे पहाड़ को काट दिया अपने अकेले के दम पे, और वहां से रास्ता बना दिया। तो ऐसा आदमी फिजिकल, इनका जो फिजिकल पोर्शन है आप लोग देखोगे तो नीचे का जो पोर्शन है बहुत ही स्ट्रांग है, इनका जो बीच वाला पोर्शन है इमोशनल पोर्शन है वो भी स्ट्रांग है, लेकिन इनका जो मेन नेगेटिव पॉइंट है, इनका जो क्या बोलते उसको, फर्स्ट अपर पार्ट है, जब फोरहेड बहुत दबा हुआ जिसकी वजह से लाइफ में स्ट्रगल हुआ, मेहनत ज्यादा करनी पड़े लेकिन सक्सेस इनको ही मिली, इनका भी नाम हुआ अपने समाज में अपने देश में। इनका आप देखिए इमोशनल प्लेन स्ट्रांग है और फिजिकल प्लेन स्ट्रांग है। जब फिजिकल प्लेन स्ट्रांग रहता है, या तो लोअर पर्सन में जो नाक से चालू होता है तोड़ी तक रहता है तो चीक तक रहता है, उसको बोलते हैं फिजिकल प्लेन। अगर ऐसा पार्ट लंबा है या स्ट्रांग है तो ऐसा आदमी फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग होता है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। ऐसा आदमी सबसे ज्यादा भरोसा अपने काम पे करता है, अपना फिजिकल जो इसका जो फिजिकल जो शक्ति रहती है इसके पास, उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। ऐसा आदमी लाइफ में अपने हार्ड वर्क से कुछ भी अचीव कर सकता है। अगर इसने सोच लिया मुझे ये करना है तो कर लेगा, फिर वो नहीं सोचेगा कि भैया करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि इसको मालूम है हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग आदमी कैसे भी कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे आदमी के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं रहता है। ऐसा आदमी अगर सोच लेगा, जिसका फिजिकल पोर्शन स्ट्रांग है फेस का, तो ऐसा आदमी कोई भी काम कर सकता है अपनी मेहनत के बदौलत। तो दशरथ मांझी सबसे अच्छे उदाहरण हो सब चीजों के लिए, जिन्होंने अपनी सिर्फ मेहनत के बदौलत पूरे पहाड़ को काट के देश में अपना नाम बहुत अच्छा रोशन किया। तो ये सब चीज आपको देखना है ध्यान से। अभी देखो तीनों चीज तो हो गई, अभी आपको इसको मैं कंजक्शन कैसे करना, युति, आप जो एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं ना, दो प्लैनेट की युति कैसी करना, उसके बारे में बता देता हूं मैं आप लोगों को थोड़ा सा। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको तीन पार्ट समझाया है अभी। एक तो फेस के तीन पार्ट समझाऊंगा आपको, फर्स्ट फेज जो है बालों से लेके आईब्रो तक, अपर पार्ट और मेंटल प्लेन। सेकंड पोर्शन मैंने समझाया आपको आईब्रो से लेके नोज तक, इमोशनल प्लेन एंड मिडिल पार्ट। थर्ड पार्ट मैंने समझाया आपको नोज से लेके, नोज के नीचे वाले पार्ट से लेके चीक तक, ये रहता है फिजिकल प्लेन या लोअर पार्ट। इन तीनों को अगर कंजक्शन करना है आप लोगों को, तीन तीनों को वहां मिला के देखना, तो कैसे देखेंगे अभी आपको समझाता हूँ। आप प्रेडिक्शन में इसका यूज कर, जैसे अभी मैं तीनों पार्ट आपको समझा दिया इसका क्या मीनिंग होता है, तीनों पार्ट को कंजक्शन में कैसा यूज करना है ये भी आपको समझाता हूँ मैं। कभी कभी आप लोग देखोगे किसी का मस्तक चौड़ा है, मिडिल प्लेन छोटा है, बाकी वो फिजिकल चौड़ा है अच्छा है, तो उसका क्या मीनिंग होता है, इसको कैसे अपन को कंजक्शन करना, दोनों प्लेनेट की युति कैसे करना, तो उसको बारे में कुछ देता आपको, नहीं आपको प्रेडिक्शन के लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए अपन चालू करते हैं, मोदी जी से चालू करते हैं। मोदी जी का देखिए अपर एंड लोअर जो पार्ट है,
मेंटल एंड फिजिकल प्लेन जो है बहुत ही स्ट्रांग है। ऐसा आदमी अगर जिसका मेंटल और फिजिकल प्लेन दोनों स्ट्रांग है, ऐसा आदमी विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, इंटेलिजेंट होता है, होशियार होता है, हार्ड वर्किंग होता है और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली हर चीज को प्लान करता है, उसको जैसे सोचा है उसी हिसाब से कंप्लीट भी करता है, उसी टाइम पे कंप्लीट करता है। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया मोदी जी के क्वालिटी, एक सबसे अच्छी क्वालिटी है वो जो काम करने की सोचते हैं उसका शिलान्यास भी वही करते हैं और उसकी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी वही करते हैं। आप इसको ऐसे समझ लेना, आपको याद रहेगा। उसके अलावा जिसका मिडल यानी जिसका जो मिडल आईब्रो से लेकर नोज तक वो मिडल पार्ट और फिजिकल प्लेन स्ट्रांग है। दशरथ मांझी जी का देखिए, उनका फिजिकल जो था और मेंटल प्लेन था वो वीक था, लेकिन इमोशनल और फिजिकल पार्ट अच्छा था। तो ऐसा आदमी क्या करेगा, ये आदमी वो मेंटल एंड इमोशनल प्लेन अगर स्ट्रांग होता है, ऐसा नहीं होशियार तो रहेगा लेकिन ऐसा आदमी दिमाग से कम काम करेगा, दिल से और मेहनत से ज्यादा काम करेगा। आप मांझी जी की जो बात कर रहा हूं मैं, आप देखिए ना, उनको दिमाग ज्यादा मेंटल नहीं था लेकिन उन्होंने अपने दिल की सुनी और लोगों को जो दर्द हो रहा था उनके गांव में उसकी सुनी, पर अपने उन्होंने डिसाइड कर लिया इमोशनली कि मैं रास्ते को पार करूंगा। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे रास्ता बना ही दिया जो इम्पॉसिबल था। तो ऐसा आदमी जब भी मिडल और अपर मिडल प्लेन स्ट्रांग होता है, ऐसा आदमी दिमाग की नहीं सुनता है, अपने दिल की सुनता है, इमोशन की सुनता है और वो लाइफ में अच्छा काम करता है, फिजिकली काम करता है, दिमाग से काम नहीं करेगा लेकिन अपने जितनी मेहनत है उससे वो काम सक्सेसफुल कर लेगा, काम करेगा, उसको फिनिश भी करेगा। ऐसा नहीं फिनिश नहीं करेगा आदमी, ये आदमी फिनिश भी कर लेगा। तो ऐसा आपको देखना है हर चीज को लेके, इसका ध्यान रखिए आप सभी लोग। इनका अपर एंड मिडिल पोर्शन स्ट्रांग है, ऐसा आदमी इमोशनल भी रहेगा होशियार भी रहेगा। ऐसा आदमी लाइफ में घर को इमोशनली, अपने लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, बिजनेस लाइफ को दोनों को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। जहां पे दिमाग का काम है दिमाग से काम करेगा प्रोफेशनल लाइफ में, जहां इमोशन से काम है काम लेना वहां इमोशन से काम करेगा। ऐसा आदमी, इसमें बात का ध्यान रखिए। तीसरा जो पार्ट है चेहरे का, मिडल एंड लोअर यानी उसका जो इमोशनल प्लेन एंड फिजिकल प्लेन स्ट्रांग रहता है, तो ऐसा आदमी जैसे नाम से आपको पता चल गया होगा कि ऐसा आदमी दिल से नहीं, दिल से काम लेगा, मेहनत पूरी करेगा, मेहनती तो होता ही है आदमी, तो पूरी जितना भी काम करेगा पूरी मेहनत से करेगा, इमोशनल होके करेगा। और एक बार इसने अगर कुछ ठान लिया अपने मेहनत के दम पे काम करने की, उसको फाइनली कर लेगा। अभी इसके बाद ये तीनों आपको मैंने फेस के तीन पार्ट के बारे में बताया, लेकिन जब भी फेस की बात होती है तो आपके जो बाल है, आपका जो हेयर है, बिना हेयर के फेस का तो मजा ही नहीं आता है। तो चलो मैं कुछ छोटी मोटी चीज आपको हेयर के बारे में बता देता हूँ, तो आप थोड़ा सुनिए फिर अपन आगे चलेंगे। तो अपने आप बात करेंगे अब हेयर की, तो अपन बात करते हैं अपन हेयरों की। फेस की बात कर ली है लेकिन अगर हेयर की बात नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। जैसे आपने पहले एक ऐड सुनी होंगी, काले घने लंबे बाल पैराशूट ने किया कमाल, जो 70s 80s के उनको ने पक्की सुनी होंगी। तो कुछ बातें अपन अपने हेयर के बारे में करेंगे, उसमें कुछ चीज बताऊं जो बहुत ही एक्यूरेट काम कर, तो आप लोगों को देखना है कुछ चीजों को लेके कैसे तो एक्यूरेसी मिलती है। तो यहाँ तक पहला जो आपको दिखेगा हेयर का जो सबसे है, ऐसे कुछ बाल दिखेंगे जो आपके सामने आप स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं, ठीक और घने बाल, मोटे और घने बाल, ऐसे बाल वो आदमी के रहे लंबे, लेडीज के लिए किसके भी रहे। घने का मतलब बहुत एक साथ घने बाल, घने का मतलब समझो जब बंडल हो, मुझे बहुत सारे बाल रखे गैप ना पूरे बहुत बाल हो, ठीक है ना, उसका जो थिकनेस है अच्छी मोटी हो, ऐसे लोगों की क्वालिटी आपको बता रहा हूं मैं आपको लोगों को। ऐसे लोग ज्यादा करके ओवर थिंकिंग करते हो कोई चीज को लेके, सोते समय दिन में रात में हमसे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है इन लोगों के, जिसकी वजह से इनको जो जो नींद है वो भी साउंड स्लीप नहीं आती है। लेकिन इनकी खासियत रहती है जो भी चीज सोचते हैं ठंडे दिमाग से सोचते हैं,
कोई भी चीज सोचने डिसीजन लेने के पहले बहुत आराम से सोच समझ के डिसीजन लेंगे। अगर एक बार इन्हें डिसीजन ले लिए तो फिर उसको किसी भी हालत में उसको डिसीजन को अपने मकाम तक पहुंचाते हैं, भले उसे उसके लिए इनको कितनी मेहनत करनी पड़े। तो ये इस चीज का एक पॉजिटिव साइड है। ऐसे बहुत सारे ट्रेड है जो आपको आगे बताए जाएंगे फिर कभी, लेकिन ये मोटा मोटा ट्रेड बता रहा हूँ आप लोगों को। जिद्दी भी होते हैं ऐसे लोग, अपने कोई भी काम करने की अगर सोच ले तो उसको जिद बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे, उस काम को फिर पूरे कितनी मेहनत क्यों नहीं करना पड़े वो काम को हमेशा पूरा करते हैं। तो ये चीज याद रखिए। उसके बाद देखिए पतले बाल, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ये फेस ये स्क्रीन में, ये सर के जो बाल है पतले हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका जो अंदर का जो सर क्या बोलूं मैं आपको, गंजापन जो दिख रहा है, या तो जो टकला है टकले का जो इनके जो सराउंड है टकले का भी जो है उसमें भी आपको स्पेस दिख रही है, तो पूरा भरा भरा नहीं है, ठीक नहीं है, और थोड़ा बोल्ड है, बाल्डनेस भी है। इसकी वजह से ऐसे जो बाल रहते हैं थिक एंड बाल्ड हेयर उसको बोलते हैं। तो ऐसे जो है ये आपको आपको ऐसा लगता हो कि मेल के जैसे होते हैं, ऐसे फीमेल के भी केस में बहुत बार आप लोग देखोगे, तो ध्यान से देखोगे जब पता चल जाएगा आप लोगों को। ऐसे लोगों को कोई भी डिसीजन लेने की बहुत घाई रहती है, जिसकी वजह से कई बार लाइफ में इनके डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से सफर भी करते हैं लाइफ भर ये लोग। इनकी एक खासियत होती है ये हमेशा मीठा मीठा बोलेंगे, प्यार से बातें करेंगे, लेकिन जो है तो अपने जो पीछे जो बात करेंगे वो थोड़ी कड़वी बातें करते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं रहते हैं, तो इनको इस चीज आपको ध्यान में रखना। जो मैंने आपको बताया जिनके बहुत ही पतले बाल बाल है उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, जिनके बाल पतले उनके बारे में जो बातें बताई, अभी उनके बारे में बताया, थिन ईयर के बारे में बताया। तो इसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो आप और आगे देखोगे कि जैसे मैंने आपको एड बताया था शुरुआत में, काले लंबे घने बाल पैराशूट ने किया कमाल, लेकिन इसको एक चीज याद करना है, आज का जो युग है तो इसमें लोग अपने पार्लर जाते हैं, बाल को सीधा करा लेते हैं, उल्टा करा लेते हैं, वो कर लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने जो ओरिजिनल बाल है अपने को उसी के थ्रू प्रेडिक्शन करना है, याद रखिए। जो नॉर्मली जो अपन नेचुरल देखते हैं, नेचुरल बालों का प्रेडिक्शन बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये जो करते हैं जो खुद से स्ट्रेटिंग करते हैं उसका उसका जो ट्रेड रहेगा ओरिजिनल बालों से कंपेरिजन करना है आपको, याद रखिए सब चीजों को लेके। जैसे आपको इमेज दिख रही है सीधे घने बाल, इसके बाल देखिए एकदम सीधे हैं, घने हैं और लंबे बाल हैं। जैसे इसके बाल है वैसे इसका नेचर भी रहता है, सीधे होते हैं, सिंपल होते हैं, फन लविंग होते हैं, लाइफ में जो भी आता है सिंपल वे से उसको एक्सेप्ट करते हैं, ज्यादा 420 चालाक की मक्कारी नहीं आती ऐसे लोगों को। ऐसे लोग जो भी काम करते हैं सिंपल और ज्यादा टिकरमाजी वाले काम नहीं करते, याद रखिए। तो सिंपल लैंग्वेज में जो आएगा सादा सिंपल काम करेंगे, और अच्छे सादा जीवन ऊंचे विचार वाले लोग रहते हैं, ज्यादा फैशनेबल भी नहीं रहते ऐसे लोग। अगर जिसके बाल सीधे और घने रहे तो ठीक भी रहना चाहिए, अगर बाल सीधे है लेकिन थीन है पतले है उस केस में थोड़ा प्रिडिक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। बाकी ट्रेड तो आपको मिलेंगे, बाकी जो बताया वो सब चीज मिलेंगी इसमें, लेकिन इसमें सिर्फ इसमें फैशनेबल हो जाएंगे। जिनके जो बाल है अगर थीन होंगे सीधे और थीन होंगे तो वो लोग सादे होंगे सिंपल होंगे, ज्यादा चार वो सब तो मिलेगा ही आपको। उसके अलावा एक चीज जो चेंज आएगा, मेजर चेंज आएगा उसके बालों में, उसके रहन सहन में आएगा, जिसके बाल सीधे और पतले होंगे ऐसे लोग थोड़े फैशनेबल होंगे एज कंपेयर जो कंपेरिजन उन लोगों के जिनके बाल सीधे और मोटे हैं। ये सब चीज को याद रखिए। उसके अलावा आप देखिए ये घोंसले वाले बाल, घोंसले यानी कर्ली बाल की बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे आपने देखिए इनके बालों को अगर समझना है आपको तो सिंपल लॉजिक है, नेचर कुरकुरे सर का रहता है इनका, जैसे बाल वैसा नेचर, जैसे कुरकुरे रहते हैं ना खाने वाले टेढ़े मेढ़े, वैसा इनका नेचर भी रहता है। लेकिन ऐसे लोग होशियार रहते हैं, इंटेलिजेंट रहते हैं, साम दाम दंड भेद की नीति का अच्छे से यूज करते हैं, कितने भी बुरे कंडीशन फंस गए वहां से वो बाहर पक्का निकलेंगे।
आशावादी रहते हैं, पॉजिटिव थिंकर रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। कोई भी चक्रवी में उनको फंसा दो, वो अपना रास्ता वहां से बाहर आएंगे, रास्ता बना ही लेंगे वहां से बाहर आने का। अपने दिल की बात ज्यादा लोगों से शेयर नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज छुपा के रखते हैं, और कितने भी क्लोज क्यों नहीं रहते तो उनको भी कभी 100% बातें 100% सीक्रेट नहीं बताएंगे। ऐसे लोग सिक्योरिटी टाइप के रहते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज किसी के भी नहीं होते, कितने भी हो जाए लेकिन पूरी दिल की बात नहीं बताते हैं, पर हमेशा खुद का रास्ते खुद बनाते हैं। लेकिन लाइफ इनकी नहीं, इनके बालू जैसे रहती है, अप डाउन कुछ ना कुछ इनके लाइफ में टेंशन चलते रहता है, लेकिन टेंशन का मतलब ये नहीं कि लाइफ में टेंशन से भी आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं। उसके बाद बात करूंगा बोल्डनेस की या गंजेपन की, जिसके बाल सिर में बाल के कहीं से भी कम हो जाते हैं, 20 से, साइड से, ऊपर से, नीचे से, पूरा आधा, कुछ भी लो, फुल मून हाफ मून आप कुछ भी ले सकते हैं सब चीजों के लेके। तो इसके बारे में बात करूंगे मैं। अपन बोल्डनेस दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बोल्डनेस दो टाइप के होते हैं। तो नेचुरल आती है आप लोगों में, नेचुरल यानी आपके जो जेनेरिक रहते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। जेनेरिक बोल्डनेस एक अलग चीज है, कुछ बोल्डनेस बीमारी की वजह से भी आती है, किसको कैंसर हो गया है, किसी के बचपन में कोई मेजर इशू हो गए थे उसकी वजह से उसके बाल ही नहीं उगे हैं, कोई जेनेरिक का रहा वो बोल्डनेस का अपन काउंट नहीं करेंगे, कोई बीमारी की वजह से वो अपना आया उसको अपन काउंट नहीं करेंगे, ये सब जो है इसको अपन काउंट नहीं करेंगे। नॉर्मली मैंने देखा हूं जो 17 से लेके या 30 साल के पहले जितने लोग के बाल निकलते हैं या बाल झड़ जाते हैं छोटे बच्चों के, या 30 साल के पहले पहले नॉर्मली, या 25 पकड़ के चलिए आप, 30 मत पकड़िए, 25-30 के आसपास, तो नॉर्मली ये सब जेनेरिक रहते हैं, यानी इनके पेरेंट फोर फादर फादर के भी सिम्टम से उनके भी सिर में बाल नहीं होंगे, इनके वजह से इनके इनके भी गंजापन आया है। तो ऐसे से प्रेडिक्शन नहीं किया जाता है, कुछ नॉर्मल जो प्रेडिक्शन रहता है गंजेपन का, वो अपन को देखना है कि उसके जो बाल झड़े कब है, 30 साल के पहले झड़े हैं, जेनेरिक तो नहीं है, कोई बीमारी की वजह से नहीं झड़े, इसका जो प्रेडिक्शन आएगा। इसमें दो टाइप के आप लोग देखोगे, गंजेपन, गंजेपन कोई भी प्रकार का रहे, जेनेरिक और बीमारी की वजह से नहीं होना, बाकी किसी भी प्रकार जेनेरिक, बीच में ना हो, साइड में ना हो, पीछे ना हो, ऊपर ना हो, पूरा ना हो, कुछ भी हो, इन सबके दो ही प्रेडिक्शन है। सिंपल एंड सिंपल चीज बता रहा हूं मैं, जिनके 30 साल के पहले झड़ते हैं नॉर्मली वो जेनेरिक या बीमारी को झड़ते हैं, जिनके जो बाल अगर गंजापन शुरू होना स्टार्ट होता है 30 साल के बाद, आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एक गंजापन स्टार्ट होता है, तो ऐसे लोग को अपने जो पुराने ग्रंथ है उसमें ऐसे लोग को लकी माना गया है, जिनका हेयर फॉलिंग या तो टकलापन आफ्टर 30 ईयर्स एज के बाद आता है, जेनेरिक नहीं रहता है, नॉर्मली आता है, ऐसे लोग लकी रहते हैं। ऐसे लोग को लाइफ में आगे चल के 40 साल या 45 साल के बाद लाइफ में अपने सुख सुविधा, प्रॉपर्टी का सुख, या जो भी चीज की जो ड्रीम रहती है सब ये पूरा करते हैं, तो इसका एक फायदा है। तो गंजापन होना भी अच्छी बात है, इसका भी एक फायदा है, ऐसे लोगों को लाइफ समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान भी मिलता है। तो अपने आज दो चार जितने में से कोशिश कर सका, जितना मैं आपको समझा सका समझा दिया हूँ, आगे चल हो सका पॉसिबल होगा तो कुछ और एक आधी वीडियो लाऊंगा इसी टॉपिक को लेके। तो आज इतना ही था आप सभी लोगों के लिए, इसको आप दो तीन बार देखिए, कुछ नहीं समझा तो मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर तो आपके पास है, मुझे कॉल कीजिए तो अपन उससे डिस्कशन कर लेंगे। सिंपल लॉजिक है, इसमें बहुत सारी चीजें, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक आज ऊपर ऊपर ही दिया हूँ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, अपने बालों और फेस के अलावा अपने आईब्रो, अपनी आईज, अपने पलके, अपने नाक, नाक का शेप, ओट ओट का शेप, चीक, कान, कान का शेप, ऐसे बहुत सारी चीजें जिससे अपन पूरा एक जगह सीख जाएंगे अच्छे से, तो किसी को सिर्फ चेहरा देखते बरोबर उसका अपन एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने किसी कोई भी एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, या तो कोई ऐसे पहले के लोग ना साधु संत रहते थे, तो अपना चेहरा देखते बरोबर बता देते थे, बेटा तू ये करने वाला है, बेटा तू वो करने वाला है, उनके पास कोई ऐसा फेस रीडिंग का बहुत अच्छा अनुभव होता था। फेस रीडिंग बहुत ही सिंपल और एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन टूल है आप लोगों के लिए, लेकिन इसके पार्ट है, इसके ज्यादा पार्ट नहीं है, 10-15 ही मेजर मेजर पार्ट है, हेयर है, फेस है, फेस के 3 पार्ट है, आईब्रो, आई लिड, नोज,
तू तू तूत नहीं है, ये अपने चेहरे के जो तील आते हैं, तील है, मोल है, उसके अलावा जो आपके जो चीख है, कान का शेप बहुत मैटर करता है, और फेस का शेप। मेरा फेस आप देखिए कैसे ओवल दिख रहा है, किसी को ट्राइंगल दिख रहा होगा, ऐसे बहुत सारा फेस रहते हैं, किसी का रेक्टेंगल रहता है, किसी का ओवल रहता है, किसी का अलग अलग टाइप का राउंड रहता है। ये फेस का जो शेप है, फेस का साइज, पर बाकी जो साइजेस है, बाकी जो चीजें से जो मैंने बताया आपको, इस सबको कंबाइन करके अपन एक अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं सामने वाले को लेके, बिना उसका चार्ट जाने अपन सीधा फायर कर सकते हैं सामने वालों को इम्प्रेस करने के लिए। तो इसके बारे में और आगे फ्यूचर में अगर टाइम डिस्कस करेंगे। जय सर, आप सभी लोगों को धन्यवाद।